नमस्कार, मैं शारदा एसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू है, जैसे कि बेड की सुविधाएं और इस तरह की तमाम सुविधाएं। इसके अलावा कई पाबंदियां भी लगाई जा सकती है, जैसे कि धार्मिक जगहों को बंद किया जा सकता है, ऑफिस के सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, शादी जैसे समारोह में कुछ सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। आइए सुनते हैं लॉकडाउन को लेकर मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने क्या कुछ बताया। जो 16,000 बेड की तो ये थी, 25,000 बेड होना चाहिए, ये हम तैयारी कर रहे हैं। वेंटिलेटर या O2 उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। ICU का भी बेड अलग अलग तरीके से ये कर रहे थे। हमारी यंत्रणा तो पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी है करके हम ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं कि नहीं तैयारी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरी तैयारी फोकट भी गई तो भी चलेगी, लेकिन रुग्ण संख्या कम होनी चाहिए। उसमें मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहाँ जा रहे, शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी, भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। बाकी रेलवे या कर्मचारी वो भी एसेंशियल सर्विस वाले ही आएंगे बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में भी काम करने वाले लोग घर से काम करें जो बच सकते। नहीं, लॉकडाउन का डर तो सबके मन में है, और वो डर सही है, उनका डर होना सही है कि सब लॉकडाउन हो जाते तो बहुत ही तकलीफी सबको है, लेकिन ये भी सही है ना कि रुकना बढ़ रहे, लोगों ने समझना चाहिए, लोगों ने सब मिलके करना चाहिए। उकसाने वाले उसका अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये वैश्विक महामारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब मानते हैं, लेकिन कर रहे हैं।